बड़े दिनों बाद ही सही, इस बार मुझे फिर से एक बार शादी में जाने का मौका मिला है। लखनऊ वाली एक मौसी हैं, उनके यहाँ जाना है। उनका बेटा था हर्षित, जो बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में मेरे शहर आया करता था। मेरी कुछ धुंधली सी मेमोरीज हैं उसके साथ, जिसकी वजह से लखनऊ वाली दूर की मौसी के यहाँ शादी में जाने का मन बहुत कर रहा है। हर्षित भी अब बड़ा हो गया होगा और पता नहीं मुझे पहचान पाएगा या नहीं। मेरा नाम मंजू है और उम्र 19 साल। आखिरकार वो समय आ गया जब हमारी लखनऊ जाने की तैयारियां पूरी हो गई थी। इधर जैसे ही हम लखनऊ पहुंचे, सब लोग आपस में बिजी हो गए। मैंने मौसी की कोठी जैसे घर के हर कोने को छान मारा, लेकिन हर्षित कहीं नहीं मिला। शाम होते होते जब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने मौसी से पूछ ही लिया कि हर्षित कहाँ है। पता चला कि वो दोस्तों के साथ किसी काम से बाहर गया है और रात को देर से लौटेगा। लेडीज संगीत के बाद धीरे धीरे घर के सारे लोग सो गए, लेकिन मुझे कहाँ नींद आने वाली थी। मैं हर्षित के इंतजार में छत पर जाकर निडाल पड़ गई। तभी बाहर जीप के रुकने की आवाज सुनाई पड़ी। मैं छत पर भागती हुई बाउंड्री वॉल तक गई। नीचे की तरफ देखा तो 6 फीट का हर्षित जीप से उतरकर छत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। छत पर पहुंचते ही हर्षित ने कोने में लगा बल्ब जला दिया। करीने से बिछे कोने वाले बिस्तर पर मुझे देखकर वो सक पका गया। इससे पहले वो कुछ बोलता, मैंने उसको सब कुछ अपने बारे में बता दिया। गर्मियों के दिन थे। हर्षित ने पसीने को सुखाने के लिए अपनी शर्ट के 2 ऊपरी बटन खोल रखे थे। मैं हर्षित के करीब जाना चाहती थी, लेकिन डर इस बात का था कि कहीं उसको ऐसा न लगे कि मैं पजेसिव हो रही हूँ। तभी हर्षित को प्यास लगी और मुझे पानी देने के बहाने ही सही उसके पास जाने का मौका मिल गया। आधी भरी ग्लास को वो होंठों के ऊपर रखकर पीने लगा। पानी पीने के बाद उसने ग्लास मुझे वापस दिया और जानबूझकर मेरी उंगलियां छुई। न जाने कैसे उसे मेरे मन की बात पता चल गई। जैसे ही मैं ग्लास जमीन पर रखकर पलटी, उसने मेरे दोनों कांधे पकड़ लिए। उसके नर्म होंठ पहले मेरे माथे पर आए, फिर गर्दन की तिल पर। एक हल्का सा पॉज लेकर हर्षित के होंठ मेरे पूरे शरीर पर रेंगने लगे। उसके शर्ट के बटन बारी बारी से एक के बाद एक टूटते जा रहे थे। यहाँ इस घर में शादी तो किसी और की होने वाली थी, लेकिन सुहागरात मैं और हर्षित मना रहे थे।